देखिए यहाँ पर योगी जी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हावड़ा के उलुबेरिया पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। रोड शो हावड़ा में होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मेरे सहयोगी रमन वहीं की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। उलुबेरिया जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना है वहां पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। दो दिवसीय बंगाल के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है और इसी सिलसिले में आज उनकी एक के बाद एक चार रैलियां होनी है। और अगर हम 3 और 4 अप्रैल दोनों दिन को मिला करके देखें तो इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुल 8 रैलियां होंगी जहां लोगों से वो मिलेंगे, संबोधित करेंगे। और तस्वीरें भी देखिए, आप देख लीजिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन करते हुए। यह हालांकि आपको पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आप मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं और आज उनका रोड शो है, रथ पर सवार होकर के उन्हें आगे बढ़ना है। और वो रथ की तस्वीरें हालांकि रमन ने पहले दिखाई थी लेकिन ये हम पुरानी तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मिलेगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनका भी मैं रुख लेती हूं। संजीव जी, ये जो हुजूम दिखाई दे रहा है लोगों का और ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ठीक है ये बीजेपी के कार्यकर्ता है लेकिन बाकियों को भी तो यही लेकर के बूथ तक आएंगे ना, क्या लगता है इस भीड़ को देखकर? शालिनी, आप लगातार टीवी के ऊपर भगवा सुनामी की बात कर रही हैं। चलिए हम साधु संत की ही बात कर ले। साधु कौन है, संत कौन है? साधु वो है जो हिमालय के कंदराओं में शहर छोड़ के चला जाए और साधना करे, वो साधु कहलाता है। संत वो है जो सर्वधर्म समान की भावना रखता है, वो संत है। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के ये योगी आदित्यनाथ, जो बनारस में कभी जाके आप पता कीजिए तो आपको पता चलेगा सैकड़ों मंदिरें विकास के नाम पे इन्होंने तोड़ दिया। आप इनकी बात कर रहे हैं? ये आएंगे और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे, विकास से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये आएंगे यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लोगों को तोड़ने की बात करेंगे। जो डेफिनेशन थी संत की और योगी की, रमनीश जी आप सहमत हैं क्या? सालनी जी कैसे सहमत? तुरंत आपने सर आप हिलाया था आपने, इनकी, मैंने देख लिया। इनकी शुरुआत से परिपाटी रही है। चलने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता, अरे वो साधु नहीं हो सकता। रेड कार्पेट पे चलने वाला व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होता है और ये राजनीतिक शुरुआत से ही विशुद्ध राजनीति से ही वो त्याग के एक प्रतिमूर्ति है। कौन सा त्याग? एसी में रहने वाले, 20 करोड़ में चढ़ने वाले, रेड कार्पेट पे चढ़ने वाले, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। खुले आसमान के नीचे एसी लगा करके भाषण देने वाला त्याग की बात करते हैं? किस तरह के इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं? आप किस तरह आप देखिए, राजनीति कीजिए। कल को आप वामपंथी के गुंडे से आपको डर लगता था, आज आप सीपीआई एमएल का सहारा ले रही है। आज ईवीएम खराब होता है, आज आप बाहरी से इसको बता रही है। आज सारे के सारे पार्टियों को आप विपक्षी पार्टियों को क्यों बुला रही है? नहीं, हिंदुस्तान की जनता बुला रहे हैं आप। ये बताइए आज ममता जी ने क्या जरूरत पड़ गया? ईवीएम सारे पार्टियों से संजीव कौशिक, ठीक है। योगी आदित्यनाथ की रैली से जुड़ी हुई तस्वीरें मेरे सहयोगी लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं तो उनका मैं फिर से रुख कर लेती हूँ। लक्ष्मी, क्या चल रहा है अभी? लक्ष्मी, मेरी आवाज मिल रही है? शोर वहां पर बहुत ज्यादा है, शायद इसी वजह से लक्ष्मी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उलुबेरिया पहुंच चुके हैं, वो तस्वीर भी आपको मैं दिखा रही हूं। और ये सीधा रोड शो की अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी हिंदुस्तान के ऊपर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का ये काफिला और रथ के ऊपर सवार हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जो तस्वीर इसके पहले आप देख भी रहे थे। रमन का एक बार मैं रुख करती हूँ। रमन, अभी क्या चल रहा है जिधर आप खड़े हैं, तस्वीरें दिखाइए।
रमन तक भी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसके पहले आपने देखा भी था कि किस तरह से वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो संभावना है कि इसी वजह से नहीं पहुंच रही होगी आवाज। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। रथ के ऊपर वो सवार हो चुके हैं, भीड़ काफी ज्यादा है। अब धीमे धीमे ये रथ आगे बढ़ेगा और अलग अलग जगहों पर पहुंचेगा, कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी बीच लोगों से वहां बात भी करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। इस तरह की जब भी रथ यात्रा बीजेपी निकलती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से फूलों की वर्षा भी होती है। रथ पर सवार योगी आदित्यनाथ, नीचे जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, और चूंकि लोगों को क्रेज इतना है देखने का कि वो घरों की छत तक पर खड़े रहते हैं और वहां से पुष्प वर्षा रथ पर सवार जो भी बीजेपी का बड़ा नेता होता है उसके ऊपर होती है। ये देखिए ट्रक को रथ का आकार दिया गया है, ऊपर आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, और अब धीमे धीमे ये आगे की ओर बढ़ेगा रथ, और अलग अलग जगहों से होती हुई ये रैली निकलेगी। और बीजेपी का यही दावा कि जिन जिन जगहों से रथ गुजरता है वहां वहां की जनता बीजेपी के पक्ष में हो जाती है, यही वजह है कि रथ यात्रा की शुरुआत जेपी नड्डा ने जब की थी तो यह कहा गया था कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन सब जगहों पर यह रथ पहुंचेगा, हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगा, हर सीट तक जाएगा और वहां कैंडिडेट के लिए वोट मांगे जाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको रथ के ऊपर सवार दिखाई दे रहे हैं और आपको कमल के छाप वाला झंडा नीचे दिखाई देगा, बड़ी संख्या में लोग दिखाई देंगे और अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं।